हेलो फ्रेंड्स, हम जो टुडे डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट हम स्टेप बाय स्टेप इसको प्रोसीड करेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमने क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज डेटा। डेटा क्या होता है? डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होते हैं, ठीक है, रॉ टाइप का डेटा है। जैसे मतलब टू है, थ्री है, ठीक है, जहाँ मान लो यहाँ पे हमने कुछ और टाइप करते हैं, हम यहाँ पे हमने मान लो कुछ और लिख दिया, जैसे 12 लिख दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है, जहाँ फिर 24 लिख दिया, ठीक है, कोई भी हमने यहाँ पे नंबर दिया है, इस नंबर से कुछ भी अंडरस्टूड नहीं होता है कि 24 क्या है, 12 क्या है, 3 क्या है, 2 क्या है, कुछ भी अंडरस्टूड नहीं होता। दैट मीन्स कि ये रॉ टाइप का डेटा है, इसको हमने जस्ट बोलना है कि ये डेटा है, बट है डेटा, बट इसका कुछ भी यूजलेस है। ये डेटा क्या है? यूजलेस यूनिट, इट इज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, ये यूजलेस है क्योंकि इसका हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कोई भी कि ये डेटा कहाँ पे यूज होना है, कहाँ पे यूज हुआ था, ठीक है, इसको हम बोलते हैं कि ये डेटा है। एग्जाम्पल क्या है? ईच स्टूडेंट टेस्ट स्कोर इज वन पीस ऑफ डेटा। मान लो कि किसी स्टूडेंट है, ठीक है, उसके यहाँ पे कोई हमने स्कोर दिए हैं उसको, ठीक है, उसको 20 स्कोर दिए हैं, ठीक है, या फिर उसको 30 स्कोर दिए हैं, कोई भी स्टूडेंट को, हम किसी भी स्टूडेंट को स्कोर दिए हैं मान लो कोई भी, ठीक है, बट किस स्टूडेंट को दिए हैं, कौन सा स्कूल है, ठीक है, कौन सी क्लास है, वो यहाँ पे कुछ भी अंडरस्टूड नहीं है, ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन, पहले आपको डेटा क्लियर हो गया, नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है वो हम पहले पढ़ते हैं। व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, ओके, व्हेन डेटा इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ओके, स्ट्रक्चर्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ गिवन कॉन्टेक्स्ट, so as a make it useful, it is called a information, okay। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जो भी डेटा है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो प्रोसेस्ड होना चाहिए, वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ठीक है, जिसको हम प्रेजेंट कर सकें, ठीक है, और वो यूजफुल होना चाहिए। तो कौन सा टाइप का डेटा हमारे पास यूजफुल हो सकता है? जो डेटा जिसके साथ डेटा है और प्रोसेस्ड है, उसके पास इंफॉर्मेशन है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल यूज की थी, टू है, तो अगर हमने यहाँ पे टू नंबर यूज करना है तो मेंशन होना चाहिए कि टू क्या है, ठीक है, किसी के मार्क्स हैं, तो यहाँ पे मेंशन होगा कि ये किसी के मार्क्स हैं, कौन से स्टूडेंट के मार्क्स है, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम है, स्टूडेंट कौन सा है, और यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर है, फॉर एग्जांपल, कि पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, पूरी की पूरी प्रोसेस है, डेट मीन्स कि ये इंफॉर्मेशन है। ओके, क्लियर। एंड नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल भी है, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास और ऑफ द इंटायर स्कूल इज इंफॉर्मेशन डेट कैन बी ड्राइव फ्रॉम द गिवन डेटा। वैसे सेम एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारे पास कोई भी डेटा है उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हो, जिसके पास ये अंडरस्टूड हो कि अगर हमारे पास कोई नंबर है, टू नंबर है, थ्री नंबर है, ठीक है, तो वो उसके पीछे का इंटायर उसके इंफॉर्मेशन क्या है, कि वो उसकी स्टूडेंट की अगर इंफॉर्मेशन है तो उसकी आईडी कौन सी है, स्टूडेंट का नेम कौन सा है, उसकी क्लास कौन सी है, ठीक है, तो ये सारी की सारी अगर हम मेंशन करते हैं पूरा, तो उसको हम बोलते हैं कि ये इंफॉर्मेशन हो गया। तो क्लियर है आपको कि डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ना कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, तो वो हमें उसको दोबारा क्लियर करेंगे, क्योंकि डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस। नेक्स्ट है डेटा बेस, ठीक है, पहले हमने डिस्कस किया है डेटा, नेक्स्ट हमने डिस्कस कर लिया इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट हमारे पास डेटा।
अगर हम देखो हमारे पास डेटा था, ठीक है, उसको हमने ऑर्गेनाइज करके इंफॉर्मेशन भी बना लिया, ठीक है, तो वो स्टोर कहाँ पे होगा? वो जो डेटा है वो कहीं ना कहीं पे स्टोर होगा, जहां पे भी डेटा स्टोर होगा उसको हम बोलते हैं डेटा बेस, पे जहां पे वो डेटा स्टोर होगा। अ डेटा बेस इज अ मोस्ट जर्नल सेंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, डेटा का कलेक्शन होता है। देखो एक पूरा का पूरा जैसे डेटा बेस होता है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक हमारे पास डेटा बेस है, ठीक है, ये हमारा एक डेटा बेस है, यहाँ पे क्या होता है डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे एक डेटा स्टोर हो गया, ठीक है, डेटा सेट है यहाँ पे, यहाँ पे एक डेटा सेट है और यहाँ पे एक डेटा सेट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, डेटा बेस, जहाँ पे कोई भी डेटा स्टोर होता है, ठीक है, ये कलेक्शन ऑफ डेटा हो गया ना, यहाँ पे एक डेटा स्टोर हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, यहाँ, ठीक है, तो ये एक क्या बन गया पूरा का पूरा डेटा बेस, जहाँ पे हमने डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, और जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। मोस्ट डेटा बेस इज अ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेट अलाउज टू डेटा टू बी ईजली असेस्ड मैन्युपुलेटेड एंड अपडेटेड, कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम ईजली डेटा को क्या कर सकते हैं, ईजली असेस कर सकते हैं, हमारे पास जो भी डेटा स्टोर हुआ है, जो भी डेटा हमारे पास स्टोर हुआ है हम क्या कर सकते हैं, उसको ईजली असेस कर सकते हैं, कि हम जब भी उसको फेच करना चाहें तो हम उसको ईजली फेच कर सकते हैं। जैसे ही हमारे कंप्यूटर में हमने डेटा स्टोर किया है, मान लो हमने ई ड्राइव में डेटा स्टोर किया है, डी में किया है, ठीक है, कहीं पे भी हमने किसी भी फोल्डर पे डेटा स्टोर किया है, तो हम बाय नेम उसको स्टोर करते हैं ताकि हम क्या करें, उसको ईजली असेस कर पाएं, मैनिपुलेट कर सकें उसको, ठीक है, हम उसको अपडेट कर सकें, ठीक है, मैनिपुलेट मीन्स कि हम उसमें कोई कुछ भी चेंज करना है, एडिट करना, तो हम उसको कर सकें, ठीक है। तो अपडेट क्या होता है कि अगर हमने डेटे में कुछ चेंज करके उसको अपडेट करना है, नेक्स्ट हमने डेटे को अपडेट करना है, तो हम ये सारे ऑपरेशन ईजिली उस पर परफॉर्म कर सकें। इन अदर वर्ड्स अ डेटा बेस यूज बाई एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ मैथड ऑफ स्टोरिंग, ठीक है, मैथड ऑफ स्टोरिंग, ओके, स्टोरिंग, मैनेजिंग, ओके, एंड रिट्राइविंग इंफॉर्मेशन, ओके, ये सारी जो ऑपरेशन है कि हमने डेटाबेस में डेटा स्टोर कर लिया, यहाँ पे हमने, हमारे पास एक डेटाबेस है, हमने स्टेप बाय स्टेप, मान लो यहाँ पे एक डेटा है, यहाँ पे एक डेटा है, हमने एक डेटाबेस में डेटा स्टोर कर लिया है, तो हम उसमें क्या कर सकें, हम उस डेटाबेस में डेटा स्टोर भी कर पाए, इजली हम असेस भी कर पाए, इजली हम उसको मैनिपुलेट भी कर पाए, और उसको हम अपडेट भी कर पाए, ठीक है, ये सारा डेटाबेस का प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले हमने देखो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करें, पहले हमने डेटा डिस्कस किया, फिर उसके बाद में इंफॉर्मेशन, फिर डेटाबेस, नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि ऐसा सिस्टम जिसके थ्रू हमने सारे के सारा जो हमारा प्रोसेस है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, डेटाबेस है, उसको सारे का सब हमने क्या करना है, मैनेज करना है। तो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंड्स फॉर डेटा DBMS stands for Database Management System. We can break into DBMS को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, डेटाबेस और नेक्स्ट मैनेजमेंट सिस्टम, कि हमारे पास एक डेटाबेस है जिसको हमने क्या करना है, मैनेजमेंट किसके थ्रू, सिस्टम के थ्रू हमने डेटाबेस को मैनेज करना है, ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है डेटाबेस अ कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटाबेस क्या है हमारे पास, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, हमारे पास जो डेटाबेस है, डेटाबेस क्या है कलेक्शन ऑफ डेटा, एंड मैनेजमेंट सिस्टम हमारे पास क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू स्टोर एंड रिट्राइव दोस डेटा, कि हमारे पास एक
कलेक्शन ऑफ डेटा है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, हमारे पास जो डेटा बेस है इस पे कलेक्शन ऑफ डेटा है, यहाँ पे डेटा स्टोर है, यहाँ पे डेटा स्टोर है, यहाँ पे डेटा स्टोर, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा है हमारे पास। तो जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या करता है, ये सारे के सारे सिस्टम को क्या करता है, मैनेज करके रखता है, किसके थ्रू, सेट ऑफ प्रोग्राम्स, कि जो इस डेटे को स्टोर करते हैं और रिट्राइव करते हैं, ठीक है, जब भी हमें इसकी नीड्स होती हैं हम उसको फेच करके यूज कर सकें। ओके, आप डेटे को स्टोर क्यों करते हैं, मान लो कि हम हमारे मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में कोई भी हमारी वीडियोज है, कोई पिक्स है, या फिर किसी और टाइप का डेटा है, तो हम स्टोर उसको क्यों करते हैं, ठीक है, क्यों स्टोर करते हो, क्योंकि जब भी आपको उसकी नीड होती है तो हम उसको फेच कर सकें, उसको हम देख सकें, उसको हम यूज कर सकें, ठीक है, उसमें किसी को सेंड कर सकें, शेयर कर सकें, ठीक है, तभी हम उस डेटे को स्टोर करते हैं। तो जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्या करता है, इस जो भी आप स्टोर करते हो मोबाइल में या कंप्यूटर में, एनीथिंग एल्स, ठीक है, उस डेटे को मैनेज करने का काम किसका होता है, मैनेजमेंट सिस्टम का, ठीक है। बेस्ड ऑन दिस वी कैन डिफाइन DBMS लाइक दिस, DBMS ए कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा। अब देखो नेक्स्ट वर्ड इसमें क्या है, इंटरलेटेड डेटा। इंटरलेटेड डेटा का मतलब क्या है, जो डेटा रिलेट करते एक दूसरे से, मान लो कि हमने हमारे पास डेटा बेस है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा बेस है, तो इसमें हमने डेटा स्टोर करना है, हमने स्टोर करना है मान लो कि किसी स्टूडेंट का आईडी है उसका, ठीक है, उसकी आईडी है, स्टूडेंट की आईडी है, ठीक है, और नेक्स्ट उसका नेम है मान लो स्टूडेंट का, ठीक है, और स्टूडेंट के मार्क्स है, ये चीज हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लो हमने किसी कॉलेज का, किसी स्कूल का डेटा सेट रेडी करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाली इंफॉर्मेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम इसमें कोई नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, मान लो कि उसका कोई मान लो उसके सिस्टर का नेम है, उसके ब्रदर का नेम है, या उसकी हॉबी है, ठीक है, ये रेलेवेंट नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ क्या है, इसमें रेलेवेंट नहीं है, जो रेलेवेंट नहीं होती है फिर भी हम उसमें अगर स्टोर करते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम इस टाइप के डेटे को भी हम उसमें एंटर करवा दें, जो बहुत ही नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इम्प्लिसिट इंफॉर्मेशन है, वही हमें स्टोर करनी चाहिए डेटाबेस में। हम अगर ऐसी इंफॉर्मेशन जो अननेसेसरी है, एक्सप्लिसिट इंफॉर्मेशन है वो स्टोर करते हैं, तो ये वाला हमें डेटाबेस का एक्स्ट्रा जो स्पेस है वो कंज्यूम कर रही होती है, ठीक है, हमें डेटे में वही इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जो बहुत ज्यादा नेसेसरी है। तो यहाँ पे क्या वर्ड यूज है, इंटरलेटेड डेटा। इंटरलेटेड डेटा कि जो डेटा, ठीक है, रिलेटेड है, जैसे क्या है, आईडी, नेम, मार्क्स, ठीक है, ये सारा इंटरलेटेड है, एक दूसरे से इंटरलेटेड है, कि स्टूडेंट के लिए जो भी इंफॉर्मेशन एक डेटा सेट रेडी करने के लिए चाहिए, मान लो कि यहाँ पे फादर नेम हो सकता है, एड्रेस, जो मतलब रिलेट करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट के पर्टिकुलर डेटाबेस से, वो हमें इंफॉर्मेशन एंटर करवाएंगे, जो अननेसेसरी है वो हम डेटाबेस में एंटर नहीं करवानी है, ठीक है, मीन्स के जो रिलेटेड डेटा है, जो एक दूसरे से रिलेट करता है, ओके, वो वाली इंफॉर्मेशन है उसमें हमें स्टोर करनी है डेटाबेस में, ठीक है। इंटरलेटेड डेटा एंड सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू स्टोर, ठीक है, तो डेटाबेस में क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू स्टोर असेस दोज डेटा इन अ इजी एंड इफेक्टिव मैनर, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उसमें प्रोग्राम्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस डेटे को जो भी आपने नेसेसरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर की है, ठीक है, इस टाइप के डेटे को वो स्टोर करके रखता है, फिर असेस करता है दोज डेटा, इजली आप उसको असेस कर पाए, ठीक है, ओके, अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द नीड ऑफ DBMS, कि हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रेडी कर लिया, स्टेप बाय स्टेप हम जैसे लर्न किया कि डेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजमेंट भी हमने उसकी कर ली है ना,
बट उसकी नीड क्या है, क्यों हमने मैनेजमेंट की, क्यों हमने डेटाबेस यूज किया, क्यों ये सारा प्रोसेस करना पड़ा हमें, तो ये डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्यों करना है हमने, फर्स्ट हमारी जो नीड है वो है स्टोरेज। हमने क्यों डेटा सेट स्टोर करना है, स्टोरेज के लिए। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डेटाबेस सिस्टम द डेटा इज स्टोर्ड इन सच अ वे डेट इज एक्वायर लॉट लेस स्पेस द रिटेंडेंट डेटा डुप्लीकेट डेटा हैज बीन रिमूव बिफोर स्टोरेज। हमने क्या करना है, डेटे को स्टोर करना है। डेटे को हमने स्टोर कैसे करना है, जैसे हमने पहले ही एग्जाम्पल एक यूज की थी, ठीक है, तो उसमें हमने क्या करना है कि डेटे को स्टोर करने के लिए, मान लो कि हमारे पास एक डेटा है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास डेटा है, यहाँ पे हमने डेटा स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट का डेटा है, तो उसमें हमने मान लो कि हम नेम लिख रहे हैं किसी का, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे किसी का नेम ए, ठीक है, और नेक्स्ट है बी, ओके, फिर ए, ठीक है, तो ए सी, ये क्या है, नेम है स्टूडेंट के, नेम है। तो ये यहाँ पे क्या हो, हमने डेटा स्टोर करना है, तो क्या होता है कि हमने डेटा बेस में डेटा तो स्टोर करना है, बट रिटेंडेंट डेटा नहीं होना चाहिए। रिटेंडेंट डेटा मीन्स के डुप्लीकेट डेटा, रिटेंडेंट मीन्स कि हमने डुप्लीकेट डेटा, यहाँ पे डुप्लीकेसी है, देखो आप यहाँ पे शो हो रही है कि यहाँ पे डुप्लीकेसी शो हो रही है, ठीक है। तो डुप्लीकेसी में क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर किसी डेटा में डुप्लीकेसी होगी तो वहाँ पे क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। हमने वो पहले तो जो डुप्लीकेसी है वो रिमूव करनी है। ऐसा नहीं कि हमारे, अगर देखो कि आपके पास कंप्यूटर में जहाँ पे मोबाइल में, ठीक है, किसी भी डिवाइस में आपके पास डेटा स्टोर है, तो सेम टाइप का डेटा ही आप बार बार स्टोर कर रहे हो, ठीक है, सेम टाइप का डेटा ही। देखो अगर हमारे पास यहाँ पे 1 GB यहाँ पे रैम है, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि उसी डेटे को स्टोर, हमने यहाँ पे एक कर दिया यहाँ पे फोल्डर में सेव, ठीक है, हमारे पास कोई नेक्स्ट फोल्डर है सेम, वहीं पे भी वो इन्फॉर्मेशन कर दी, यहाँ पे भी फिर वही इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी, तो ये क्या होता है, डुप्लीकेट डेटा हो गया, यहाँ पे भी स्टोर हो गया, यहाँ पे भी हो गया, यहाँ पे भी हो गया, तो ये क्या है, अननेसेसरी जो हम स्पेस है वो कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले तो हमारी जो स्टोरेज है, ठीक है, स्टोरेज कैपेसिटी है उसको देखना है, फिर हमने क्या करना है, डेटा स्टोर करने से पहले उसकी जो डुप्लीकेसी है वो रिमूव करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी क्लास का डेटा ले रहे हैं, तो उसमें हमने ये देखना है कि किसी स्टूडेंट का नेम हम एंटर कर रहे हैं, तो वो कहीं पे वो दोबारा एंटर तो नहीं करें, जैसे एक बार हमने किसी स्टूडेंट का डेटा एंटर करवा लिया, रोल नंबर 1 के अकॉर्डिंग करवा लिया, 2nd के, दोबारा फिर रोल नंबर 1 तो नहीं स्टार्ट हो रहा, ठीक है, वो हमने पहले क्या करना है, डुप्लीकेसी रिमूव करनी है। डुप्लीकेसी रिमूव करने के बाद हमने डेटाबेस में डेटा स्टोर करना है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फास्ट रिट्राइवल ऑफ डेटा अलोंग विद स्टोरेज ऑफ डेटा इन एन ऑप्टिमाइज्ड एंड सिस्टेमेटिक मैनर, ठीक है, ऑप्टिमाइज्ड एंड सिस्टेमेटिक मैनर। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डेट वी रिट्राइव द डेटा क्विकली, वी रिट्राइव द डेटा क्विकली, कि तभी हम डेटा को, अगर हम सिस्टेमेटिक मैनर से डेटे को स्टोर करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, डेटा को क्विकली रिट्राइव कर सकते हैं, वेन नीडेड, जब भी हमें उसकी जरूरत होगी, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, डेटा को क्विकली रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है, डेटा को, डेटाबेस सिस्टम इंश्योर डेट द डेटा इज रिट्राइव्ड एज क्विकली एज पॉसिबल, कि जब भी हमें अपने डेटा बेस में डेटा स्टोर करना है तो क्या हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमें ऐसा सिस्टेमेटिक मैनर से डेटा बेस में डेटा स्टोर करना है कि हम उसको जब भी उसकी नीड हो तो हम उसको क्विकली असेस कर पाएं, ठीक है, जहां तक भी पॉसिबल हो। वो कैसे कि जैसे मान लो कि हमने किसी डेटा बेस में, हमारे पास एक फोल्डर है, ठीक है, तो फोल्डर में हमने डेटा स्टोर करना है, ठीक है, मान लो कि हम, मान लो डी ड्राइव है, फॉर एग्जाम्पल डी ड्राइव है, डी ड्राइव में आप डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमने क्या पहले करना है, एक फोल्डर, मान लो कि आप अगर अपना कोई पर्सनल डेटा रख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अपने अपने नाम पे कोई भी नेम पे अपने फोल्डर क्रिएट कर लिया,
नेम पे, यहाँ से ये अंडरस्टूड होगा कि ये आपका यहाँ पे इस फोल्डर में आपका पर्सनल डेटा है, तो उस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा जिसपे ये अंडरस्टूड होगा कि इस पे आपका कॉलेज के रिलेटेड डेटा है, ठीक है, जहाँ फिर कोई और जो आप किसी मॉल्स में गए या वहाँ पिक की पिक्स हैं, कोई पर्सनल मान लो कि कोई पर्सनल पिक्स हैं आपकी, पर्सनल वीडियो, ठीक है, तो वो है आप, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब उसको भी आप रीनेम करोगे, ठीक है, यहाँ पे आप रीनेम करेंगे, अलग अलग फोल्डर को अलग अलग नेम से रीनेम करोगे, उसका क्या बेनिफिट होगा कि जब भी आप उसको रिट्राइव करना चाहोगे तो क्विकली आप उस डेटे को रिट्राइव कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइल सिस्टम, एक हमारे पास फाइल सिस्टम है, तो नेक्स्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फाइल सिस्टम क्या है कि जैसे हम ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमने उसको इजिली रिट्राइव नहीं कर पाते, ठीक है, इजिली, जैसे रिट्राइव का मतलब आपको पता चल गया होगा, ठीक है, कि हम उसको अगर फेच करना चाहते हैं, उसको असेस करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इजिली डेटाबेस को असेस कर पाते हैं क्योंकि हमने उसको रीनेम किया है, ठीक है, तो हम इजिली उसको असेस कर पाते हैं क्योंकि हमने उसे प्रॉपर मैनेज करके रखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फाइल सिस्टम, पहले हम डिस्कस करते हैं फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम इज अ जर्नी इजी टू यूज सिस्टम टू स्टोर जर्नल फाइल्स विच रिक्वायर लेस सिक्योरिटी, ठीक है। देखो कि वो डेटा फाइल सिस्टम में, वो डेटा हमने जनरली स्टोर करते हैं कि जिसकी लेस सिक्योरिटी है। फॉर एग्जांपल हम ट्रेडिशनल सिस्टम, फाइल सिस्टम यूज़ करते हैं, तो ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता था, मान लीजिए हमारे पास नोटबुक है, ठीक है, नोटबुक में हम नोटबुक में कोई भी नोट्स लिखते हैं, कुछ भी हम उस पर राइट करते हैं, तो वो उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, कि वो कहीं पे भी लॉस्ट हो सकता है हमसे डेटा, ठीक है। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज यूज्ड व्हेन सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स आर हाई। यहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटी बहुत ही हाई होती है, जैसे हमारे पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, उस पर हम क्या लगाते हैं, पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, प्राइवेसी लगाते हैं, सिक्योरिटी लगाते हैं कि वो इजीली असेस नहीं हो पाता, अनऑथराइज्ड पर्सन उसे असेस नहीं कर पाता। और जो फाइल सिस्टम है उसमें है क्या कि कोई भी पर्सन इजीली उसको असेस कर पाता है, उसकी जो सिक्योरिटी होती है वो लेस होती है। अंडरस्टैंड, नेक्स्ट है डेटा रिटेंडेंसी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डेटा रिटेंडेंसी क्या होता है कि जो डुप्लीकेट डेटा होता है, ठीक है, डेटा रिटेंडेंसी इज मोर इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। कि जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो डेटा रिटेंडेंसी की पॉसिबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, कि हमने अगर कोई भी डुप्लीकेट डेटा एंटर कर दिया, हमारे पास अगर नोटबुक है, ठीक है, उसमें हमने कोई भी डेटा डुप्लीकेट डेटा एंटर कर दिया, ठीक है, तो वो वहाँ पे इंश्योर नहीं कर पाते हम कि पहले वाले जो पेज है दूसरे पेज में सेम डेटा एंटर हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ भी है तो हम उसको रिमूव इजली नहीं कर पाते, ठीक है, उसको रिकवर नहीं कर पाते पूरा का। और जो डेटा नेक्स्ट है हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा रिटेंडेंसी इज लेस इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। कि जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें डेटा रिटेंडेंसी होने की जो चांसेस है बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ठीक है, वो कैसे, जैसे हम कंप्यूटर में डेटा सेम टाइप का डेटा जो डुप्लीकेट डेटा एंटर करवाते हैं तो वहाँ पे हमें शो हो जाता है, जैसे हम एक्सेल वाली शीट है हमारी, ठीक है, वहाँ पे हमने कोई भी किसी स्टूडेंट का नेम एंटर किया तो नेक्स्ट बार हम जब टाइप करते हैं तो वहाँ पे शो हो जाते हैं ये पहले भी डेटा एंटर करवाया हुआ है, ठीक है, जहाँ फिर हम कंप्यूटर में सेम नाम की फाइल स्टोर करते हैं, ठीक है, वहाँ पे डेटा रिटेंडेंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इज लो इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। कि जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो सिक्योरिटी होती है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, जैसे हमारी कोई फाइल जो लॉस्ट हो गई है उसको रिकवर करना ईजी नहीं होता, ठीक है, जो एक बार लॉस्ट हो गई तो लॉस्ट हो गई, ठीक है, इसमें हम ईजिली उसको बैकअप नहीं कर सकते फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। सिक्योरिटी इज हाई इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जो है सिक्योरिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कैसे कि हमारे पास अगर हमने कोई भी फोल्डर में डेटा स्टोर किया है, किसी ड्राइव में डेटा स्टोर किया हुआ है, कंप्यूटर में एक सिस्टम होता है, हम डेटे को रिकवर कर पाते हैं। या फिर हम जैसे हम हमारे पास डेटा है, हम उस किसी सेकंड पर्सन को शेयर किया है, हम ईमेल के थ्रू उसका बैकअप ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी प्रोविजन किस में होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फाइल मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज आइसोलेटेड डेटा फाइल्स। ठीक है, जो फाइल मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज आइसोलेटेड डेटा फाइल्स एंट्री। तो यहाँ पे देखो कौन सा मीनिंग आ गया, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो व्हाट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है कि जिसका कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने हमारे पास एक शीट है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप करना है, कोई भी वर्ड हम टाइप कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी वर्ड हम ऐसे इसमें टाइप कर रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है इसका प्रॉपर। ठीक है, कोई पता नहीं है कि ये वर्ड्स में है, एक्सेल में है, कुछ कहीं पे भी हम कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, किसी कॉलम में कुछ। ये मिक्स टाइप का डेटा है कि अनस्ट्रक्चर्ड है, इसका कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई फॉर्मेट नहीं है। स्ट्रक्चर मीन्स कि एक फॉर्मेट नहीं है प्रॉपर इस डेटे का। ठीक है, कोई भी फाइल्स की एंट्री करनी है, कोई भी इसमें स्ट्रक्चर नहीं होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटे में। और जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसमें क्या होता है कि वो वेल फॉर्मेटेड होता है। जो स्ट्रक्चर डेटा होता है वो वेल फॉर्मेटेड होता है। जैसे कि हमने एक्सेल, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्सेल की शीट है, वो वेल फॉर्मेटेड है कि उसमें रोज एंड कॉलम्स हैं पूरे। ठीक है, रोज एंड कॉलम्स हैं कि हम उसमें क्या करते हैं, रोज में डेटा स्टोर करते हैं और कॉलम्स में डेटा प्रॉपर स्टोर करते हैं। वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। जैसे हमने अगर कोई एक्सेल का काम करना है तो हम एक्सेल वाली शीट यूज़ करते हैं। अगर हमने कोई लेटर एप्लीकेशन वगैरह टाइप करना है तो हम वर्ड वाली फाइल यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी जिसका कोई भी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं होता फाइल सिस्टम में। ठीक, और जो स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट DBMS स्टोर है स्ट्रक्चर्ड डेटा विच है वेल डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स एंड इंटरलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर का फॉर्मेट होता है पूरा। कि अगर देखो कि हमने डेटा टाइप करना है उसका भी पूरा का पूरा फॉर्मेट है। जैसे हम उसका जो वर्ड्स, कोई ऐसा नहीं कि वर्ड्स हम बड़ा लिख रहे हैं, कोई छोटा लिख रहे हैं, ठीक है, कोई बोल्ड कर रहे हैं, कोई ये कि सारा हम पूरा का पूरा फॉर्मेट बनाते हैं। अगर वही हम चीज़ फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में करते तो उसका जो स्ट्रक्चर्ड है होता है वो प्रॉपर हम मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो ये हमारा था फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हमने जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमने करना है कि उसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन वगैरह करनी है, उसकी पर्पस करनी है, और फर्दर की फर्दर हम प्रोसीड करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। ओके, थैंक यू।